इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए इंडिया का अनाउंस हो चुका है। चलिए बताते हैं टीम इंडिया का प्लेइंग 11। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ये बताइए कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन जीतेगा सेमीफाइनल मुकाबला और कौन जाएगा फाइनल में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडिया का प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया गया है। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 भारतीय टीम 10 नवंबर को एडिलेड ओवल मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। टीम इंडिया ने ग्रुप दो में टॉप पर रहते हुए 5 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट के साथ टॉप पर रहे थे और टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल मैच के लिए कप्तान रोहित शर्मा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे, इसके लिए वह प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं सेमीफाइनल मुकाबले में कैसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने दोनों ही मैचों में तूफानी हाफ सेंचुरी लगाई। ऐसे में उनका कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करना बिल्कुल तय लग रहा है। ये दोनों ही बल्लेबाज बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और अपना दिन होने पर किसी भी गेंदबाज का आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों मिलकर के ऐसे कई पारियां खेल चुके हैं। भले ही रोहित शर्मा का बल्ला इस टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहा हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ धज्जियां उखेड़ने का काम करेगी। तो बात करते हैं नंबर 3 पर उतरेगा ये स्टार बल्लेबाज, जो कि आप लोगों को पता है कि कौन होने वाला है। ये भारत के नंबर 3 पर सुपर स्टार बल्लेबाज द रन मशीन विराट कोहली उतरेंगे। नंबर 3 पर वह भारत के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है क्योंकि इस टी20 वर्ल्ड कप में 246 रन बना चुके हैं, जिसके लिए उसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिल चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। वह पूरे भारत के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है। अपने दम पर टीम इंडिया को ढेर मैच जीता है। एशिया कप 2022 के बाद से ही वह बहुत ही शानदार लय में नजर आ रहे हैं और मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ऐसे में सेमीफाइनल मैच में फैंस को उनसे बड़ी पारी को उम्मीद होगी। ऐसा रह सकता है मिडिल ऑर्डर। नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने हर मौके पे बड़ा पारी और अहम पारी खेल करके दिखाया है। किसी भी टीम का धज्जियां उखेड़ने का काम करता है, किसी भी टीम का गिल्लियां उखेड़ देता है, किसी भी टीम का संतुलन बिगाड़ देता है। सूर्य कुमार यादव कभी भी 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ खेलने के लिए जाना जाता है। सूर्य कुमार यादव जब से आया टी20 में, इस साल का कैलेंडर ऑफ द ईयर है टी20 में सूर्य कुमार यादव, क्योंकि टी20 में इस साल सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है। भी सूर्य कुमार यादव हैं। करें आगे, वर्ल्ड कप में वह गेंदबाज की खूब दुनाई कर रहे हैं। वह अब तक मौजूदा वर्ल्ड कप में 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। नंबर 5 पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या होंगे। हार्दिक पांड्या को उसका कातिलाना गेंदबाजी और धाकर बैटिंग में माहिर प्लेयर है। विकेट कीपर की जिम्मेदारी दिनेश कार्तिक को मिल सकती है, जहाँ पर दिनेश ऋषभ पंत को जिम्बाब्वे के खिलाफ बिल्कुल फ्लॉप नजर आए थे। इन गेंदबाज पर होगी अहम जिम्मेदारी। अर्शदीप सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2012 में जसप्रीत बुमराह की कमी बिल्कुल खलने नहीं दी। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में वो अभी तक 9 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। मोहम्मद शमी 6 और भुवनेश्वर कुमार ने उनका अच्छा साथ निभाया है। अश्विन विभाग की जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल को सौंपी जा सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार होने वाली है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी। तो ये रहा आपका प्लेइंग 11। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। कमेंट बॉक्स में ये बताओ आप कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीत रही है और फाइनल किसे खेलते हुए देखना चाहते हो आप लोग। तो लव यू ऑल, बाय।